हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पर्ल हार्बर इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था 140 मिलियन यूएस डॉलर का और इस फिल्म ने कमाई की थी 450 मिलियन यूएस डॉलर की। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है सन 1923 में अमेरिका का टेनेसी शहर, जहां पर दो बच्चे जिनका नाम रेफ और डैनी है, वो आपस में खेल रहे होते हैं और अपने खेल खेल में ये लोग इमेजिन करते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर वन में जर्मन्स को मार रहे हैं। तभी वहां पर डैनी के पिता प्लेन लेकर उतरते हैं और ये दोनों भी जाकर उस प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और तभी खेल खेल में इन दोनों से वो प्लेन स्टार्ट हो जाता है और वो प्लेन चलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद रुक जाता है। फिर वहां पर डैनी के पिता आते हैं और उसे बहुत मारने लगते हैं। रेफ अपने दोस्त को बचाने के लिए डैनी के पिता पर हमला करता है और उन्हें कहता है कि तुम एक गंदे जर्मन हो। इस बात पे डैनी के पिता कहते हैं कि मैं जर्मन के खिलाफ लड़ा था वर्ल्ड वॉर वन में और मैं नहीं चाहता कि दोबारा कभी ऐसा हो, ऐसा मंजर किसी को भी देखने को मिले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में लाखों लोगों की जान गई थी। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। डैनी रेफ को बोलता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर समय आता है 1941 का। ये वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो चुका था। जर्मन ने यूरोप पर हमला कर दिया था, लेकिन अमेरिका अभी भी जंग में शामिल नहीं हुआ था। रेफ और डैनी अब दोनों भी बड़े हो चुके हैं और ये दोनों भी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। रेफ को उनका मेजर, जिसका नाम जिमी है, वो बुलाता है और वो बताता है कि ब्रिटिशर्स ने तुम्हें ईगल स्क्वाड्रन के लिए चुन लिया है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और वो ये भी बोलता है कि मुझे अच्छे पायलट्स की जरूरत है, मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल हमें भी जंग में उतरना पड़ेगा, इसीलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें रोकूं। तब रेफ बोलता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। उसके मेजर बोलते हैं कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं जरूर जाता। और अब रेफ जाने की तैयारी करने लगता है। दरअसल हिटलर ने यूरोप के ऊपर हमला करके उसे कमजोर कर दिया था और वो यूरोप पर लगातार हावी हो रहा था, इसीलिए ब्रिटिश अमेरिकन पायलट्स की मदद चाहते हैं। डैनी को पता चलता है कि रेफ ब्रिटेन के लिए लड़ने के लिए वॉर में जा रहा है, तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो जानता है कि वॉर में जाना बहुत खतरनाक है। रेफ बोलता है कि मैं बहुत जल्दी 25 का हो जाऊंगा, उसके बाद ये लोग मुझे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बना के रख देंगे और मैं एक फाइटर बनना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे जाना होगा। और अब रेफ मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है, जो वॉर में जाने से पहले होता है। इसमें आई चेकअप और बहुत तरह के चेकअप होते हैं। रेफ को डिसफ्लेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, इसमें पढ़ने में तकलीफ होती है। और जब वो अपनी आई चेकअप कराने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक नर्स होती है जिसका नाम होता है एवलीना, और वो समझ जाती है कि रेफ को पढ़ने में प्रॉब्लम है। वो बोलती है कि हमें 20/20 आई विजन की जरूरत है, तुम्हें मैं पास नहीं कर सकती। तो रेफ बोलता है कि मुझे सिर्फ पढ़ने में प्रॉब्लम है, मैं भागते हुए खरगोश पर भी निशाना लगा सकता हूँ। और उसका ये जुनून देखकर एवलीन उसे मेडिकल टेस्ट में पास कर देती है। रेफ को एवलीन से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है और अब ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। एवलीन रेफ से कहती है कि पता नहीं पर्ल हार्बर पर क्या होगा। रेफ एवलीन को बताता है कि मैं कल जंग पर जा रहा हूँ, मैं ब्रिटिश की तरफ से लड़ूंगा। इस बात से एवलीन शॉक हो जाती है क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता होता है कि वो जंग पर जाने वाला है। तब एवलीन कहती है कि ब्रिटिश तुम्हें जंग पर कैसे बुला सकते हैं। रेफ कहता है कि ये मेरा फैसला था, अगर मैं चाहूँ तो रुक सकता हूँ, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया है, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं फाइटर बनना चाहता हूँ। और रेफ जंग पर चला जाता है। वही अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम कब तक इस तरीके से ढोंग करते रहेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू नहीं हो रहा है। दरअसल वो भी वर्ल्ड वॉर टू में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने पड़ोसी देशों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम इस बात से सहमत नहीं होती है। वो कहते हैं कि दुश्मन टैंक बना रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं और हम यहाँ बैठकर रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वॉर को नहीं रोक सकते। वही दूसरी तरफ जापान अमेरिका से परेशान हो चुका है क्योंकि उन्होंने उनकी तेल की सप्लाई रोक दी है और जापान को तेल की जरूरत है। जापान के पास सिर्फ इतना ही तेल है जो कि 18 महीनों तक चल सकता है। जापान के नेता बोलते हैं कि हमें अमेरिका पे हमला करना होगा और ये हमला अचानक होगा, हम उनके पैसिफिक फ्लीट को पूरी तरह से उड़ा देंगे, उनका पर्ल हार्बर पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वही अब रेफ जंग में अपना प्लेन उड़ाता है, वो कई सारे दुश्मनों के जहाजों को उड़ा देता है और साथ ही एवलीन को भी लेटर लिखता रहता है। इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। रेफ उसे ये भी बताता है कि यहाँ पर हर कदम पर खतरा है, परसों मैंने जिन दो पायलट्स के साथ बियर पी थी आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, और रेफ के साथ भी ऐसा ही होता है। अगले दिन जब वो जंग पे जाता है तो दुश्मन उसके प्लेन पर कई गोलियां बरसाते हैं और उसका प्लेन पानी में समंदर में कहीं खो जाता है। सब ये मान लेते हैं कि वो
अब मर चुका है और एवलिन को ये खबर देने के लिए रेफ का दोस्त डैनी जाता है, क्योंकि रेफ ने अपने दोस्त डैनी से जाने से पहले कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये खबर तुम एवलिन को देना, ताकि उसे संभालने के लिए मेरा दोस्त हो वहाँ पर। और डैनी की मौत की खबर सुनकर एवलिन पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है और यादें धुंधली पड़ना शुरू हो जाती है। एवलिन के दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, साथ ही रेफ का दोस्त डैनी भी उसे पसंद करने लगा है, वो उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहता है। एवलिन को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वही अब दूसरी तरफ जापान अमेरिका पर यानी पर्ल हार्बर पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहा है। वो हर तरह से पर्ल हार्बर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, वहाँ के फोटोग्राफ्स ले लेता है और अब उन्हें पता है कि वहाँ पर कौन सा शिप कहाँ पर होगा, और साथ ही वो रेडियो पर गलत मैसेज भेज रहे होते हैं ताकि अमेरिका को पूरी तरह से गुमराह किया जा सके और जापानीज का जहाजों का झुंड, जिसे फ्लिट भी कहा जाता है, वो भी समंदर में कहीं गायब हो चुका है, जो कि अमेरिका के रडार में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इस बात से अमेरिका चिंतित हो जाता है। उन्हें पता है कि जापानीज कुछ न कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात का अंदेशा नहीं होता है कि वो पर्ल हार्बर पर अटैक करने वाले हैं। और फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि 6 दिसंबर की रात को एवलिन के सामने अचानक से रेफ आ जाता है। रेफ अभी भी जिंदा होता है और उसे देखकर एवलिन बहुत रोती है, बहुत इमोशनल हो जाती है। एवलिन उसे बताती है, मुझे लगा कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे ऐसी खबर मिली थी। रेफ बोलता है कि मेरा जहाज पानी में गिर गया था और मुझे फ्रेंच के मछुआरों के जहाज ने बचाया था। उसके बाद मैं फ्रांस में था और वहां से तुम्हें कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं हर पल तुम्हें याद करता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। यहाँ पे एवलिन उसे बताती है कि अब वो और डैनी साथ में हैं और रेफ को इस बात से बहुत दुख होता है। वहाँ पर डैनी भी आ जाता है, लेकिन रेफ उससे बात नहीं करता। शाम को रेफ के आने की खुशी में उसके दोस्त पार्टी करते हैं और वहाँ पर भी डैनी आ जाता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि रेफ को लगता है कि डैनी ने उसको धोखा दिया है, जबकि डैनी उसे मनाने की, उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी मौत की वजह से हम दोनों बहुत दुख में थे और धीरे धीरे चीजें बदल गई, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन रेफ उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे लगता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है और इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। और आपस में लड़ने के बाद ये दोनों भी जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और डैनी बोलता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेफ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच में कुछ भी ठीक हो सकता है, और वो दोनों उस रात उसी गाड़ी में सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अमेरिका को पता होता है कि जापान उन पर हमला करने वाला है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे होते हैं जिन्हें अमेरिकन्स डीकोड कर रहे होते हैं। लेकिन अमेरिकन्स को ये नहीं पता है कि जापानीज एग्जैक्टली कहां पर हमला करने वाले हैं। जापानीज का प्लान होता है कि वो सुबह सुबह पर्ल हार्बर पर हमला करे और उसे तहस नहस करे और इस तरह से अमेरिका को हैरान कर दे, इसीलिए पहाड़ों से भी नीचे प्लेन्स को उड़ाकर वहां तक लेकर आते हैं और वो पर्ल हार्बर पर हमला कर देते हैं। ये अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होता है और इस हमले में जापानीज पर्ल हार्बर को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। उनका बहुत नुकसान हो रहा होता है, लेकिन किसी तरह से डैनी और रेफ अपनी प्लेन्स तक पहुंच जाते हैं। रेफ डैनी को बोलता है कि मुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है, तुम मेरे साथ मिलकर लड़ना और ये दोनों अपनी टीम के साथ, जो टीम नीचे है उनके साथ मिलकर जापानीज के प्लेन्स के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जापानीज के यहाँ पर पूरे 350 प्लेन होते हैं, इनका कई सारे प्लेन्स पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके जापानीज के 29 प्लेन को मार गिराते हैं। लेकिन ये जापानीज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इस हमले के बाद पूरा अमेरिका सदमे में आ जाता है और अब एक शैतान जो पूरी तरह से सोया था वो जाग चुका है। और 7 दिसंबर 1941 का ये एक ऐसा दिन बन गया जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। और अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने भाषण में कहते हैं कि अमेरिका इस हमले की प्लानिंग कई हफ्तों पहले से कर रहा था और अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से शामिल हो गया है और वो जापान के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। उसके बाद रेफ और डैनी को कर्नल डूलिटल के सीक्रेट प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है जो कि जापानीज के खिलाफ होता है। लेकिन वहां पर जाने से पहले एवलिन रेफ से मिलने के लिए आती है
और वो उसे बताती है कि मैं डैनी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो उसे ये बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी सोची थी, लेकिन सब कुछ बदल गया। हालांकि एवलिन ने अभी तक ये बात डैनी को भी नहीं बताई होती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और रेफ भी यहाँ पर पूरी सिचुएशन को समझ जाता है और वो एवलिन और डैनी को माफ कर देता है। और वो डैनी से ये भी कहता है कि तुम इस जंग में मत जाओ, एवलिन पहले ही अपना एक प्यार खो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ एक बार फिर से ऐसा हो, क्योंकि रेफ जानता है कि जिस मिशन पर उन्हें भेजा जा रहा है वहां से वापस जिंदा आना लगभग नामुमकिन है। डैनी बोलता है कि बचपन से तुमने मेरी रक्षा की है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अब नहीं। और वो दोनों तय करते हैं कि वो मिशन पर जाएंगे। इनके साथ यहाँ पर और भी कई सारे पायलट्स होते हैं। दरअसल ये एक मिशन होता है जिसमें ये टोक्यो पर हमला करना चाहते हैं, जो जापान के बीचों बीच है, और ये मिशन बहुत मुश्किल है। इन्हें बताया जाता है कि नेवी हमें टोक्यो से 400 मील दूर तक पहुँचा देगी और इसके बाद हमें शिप से उड़ान भरनी पड़ेगी। इससे पहले कभी भी बॉम्बर्स ने, इन प्लेन्स ने आर्मी की शिप के ऊपर से उड़ान नहीं भरी होती है, क्योंकि इन्हें लंबा रनवे चाहिए होता है और इसीलिए इन सारे प्लेन्स का वजन कम कर दिया जाता है। और अब वो दिन आता है जब पर्ल हार्बर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए अमेरिकन सैनिक जाते हैं, अपने प्लान को अंजाम देने के लिए जाते हैं। और आज तारीख होती है 2 अप्रैल सन 1942। रेफ अपने कैप्टन से बोलता है कि जापानीज ने हमारे ऊपर 300 से भी ज्यादा प्लेन्स के साथ हमला किया था और हम हमला कर रहे हैं सिर्फ 16 प्लेन्स के साथ, हमारे इस छोटे से हमले से क्या फर्क पड़ने वाला है। उसका कैप्टन बोलता है कि उन्होंने हमारे ऊपर हथौड़े से हमला किया था, लेकिन अगर हम इस हमले में, इस प्लानिंग में कामयाब हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक कांटों की तरह होगा जो सीधा उनके दिल पर चुभेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जीत सिर्फ उनकी होती है जिन्हें जीत का यकीन होता है, और हम पूरे अमेरिका को यकीन दिलाएंगे कि जीत हमारी होगी। और फिर 18 अप्रैल सन 1942 को इन्हें अब जापान पर हमला करना है, लेकिन इन्हें जहाँ से उड़ान भरनी है उससे पहले ही इनके शिप के आसपास जापानी शिप आ जाते हैं। अगर ये यहाँ से उड़ान भरेंगे तो ये जापान के ऊपर हमला करके चाइना तक नहीं पहुँच सकते हैं। दरअसल इनका प्लान ये होता है कि ये जापान के ऊपर हमला करके चाइना पर लैंड कर जाएंगे, लेकिन ये यहाँ से टेक ऑफ करते हैं तो चाइना तक नहीं पहुँचेंगे। वहाँ तक पहुँचने से पहले ही इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, इन्हें यहाँ से टेक ऑफ करना पड़ता है। 16 प्लेन्स वहाँ से टेक ऑफ करते हैं और जापान पहुँच जाते हैं और जापान के टोक्यो शहर पर हमला कर देते हैं, और ये अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब चाइना तक पहुँचना इनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है और समंदर के ऊपर से इनके प्लेन उड़ना शुरू हो जाते हैं और साथ ही इनके प्लेन का फ्यूल भी खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी इन्हें जमीन दिख जाती है और बड़ी मुश्किल से ये सब वहाँ पर लैंड करते हैं, लेकिन डैनी और रेफ का प्लेन वहाँ पर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद भी इन्हें जापानी सैनिकों का सामना करना पड़ता है और वो डैनी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं, और इन सब के बीच में गन फायर भी हो जाती है। हालांकि ये सारे जापानी सैनिकों को मार देते हैं, लेकिन इस फायरिंग में डैनी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और रेफ उसे बताता है कि एवलिन उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इस बात से डैनी को खुशी तो होती है, लेकिन वो जानता है कि अब वो नहीं बच सकता। वो रेफ की गोद में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और वो बोलता है कि वो बच्चा अब तुम्हारा है, और डैनी इसके बाद शहीद हो जाता है। इस मिशन से पहले अमेरिका कभी भी जीतना नहीं जानता था, और अब अमेरिकन्स के अंदर एक जुनून, एक जज्बा आ गया है, जीत का जज्बा। और चाइनीज सरकार की मदद से जितने भी बचे हुए पायलट्स होते हैं, ये सब के सब अपने देश अमेरिका वापस चले जाते हैं। और अमेरिका पहुंचने के बाद जब एवलिन को डैनी की मौत के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद इन सभी पायलट्स को बहुत सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए, अमेरिका के लिए वो किया होता है जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं किया था। और आखिर में रेफ एवलिन से शादी कर लेता है और इनका बच्चा भी होता है जो कि डैनी का बच्चा होता है, उसका नाम भी ये डैनी रखते है। और रेफ डैनी को उसी प्लेन में अपने साथ हवा में ले जाता है जिसे रेफ और डैनी ने बचपन में एक बार गलती से चालू किया था। और इस तरह से इनकी कहानी, इनकी जिंदगी अब आगे बढ़ने लगती है। जापान ने जो लड़ाई 7 दिसंबर सन 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद शुरू की थी, वो लड़ाई खत्म होती है 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम फेंका और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। इस पूरे हमले में 3.5 लाख लोगों की जान चली गई थी, और इसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। तो ये थी इस फिल्म की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।